नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। INDT के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक ये केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। वहीं मानसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुँचने के आसार है। प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में बवाल हो गया। राहुल अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही समर्थक बेकाबू हो गए। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की। मामला बढ़ता देख अखिलेश और राहुल बिना संबोधन के वापस चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। वे दोपहर 12 बजे आपके ऑफिस पहुंचे और आधे घंटे बाद पार्टी नेताओं के साथ 800 मीटर दूर भाजपा हेडक्वार्टर की ओर कूच कर गए। हालांकि प्रदर्शन किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना करीब 1:30 बजे खत्म हो गया। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची। पुलिस ने मारपीट के समय के सीसीटीवी फुटेज और DVR कलेक्ट किए हैं। मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव को शनिवार को अरेस्ट किया गया था। पीएम मोदी ने झारखंड में रैली की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को विकास का काखा गा भी नहीं मालूम है। झारखंड राज्य इतना अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कांग्रेस जेएमएम राजद ने झारखंड को लूट का अड्डा बना रखा है। प्रदेश के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। झारखंड में 20 मई को 5वें फेज में 3 सीटों पर वोटिंग होगी। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हैं। ये नोट बेड, गद्दों, अलमारी में छिपाकर रखे थे। IT टीम ने शनिवार को पूरी रात 10 मशीनों से नोटों की गिनती की। कारोबारियों के पास से जमीन में भारी निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी भारत के पहले पैरालंपिक तैराक मुरलीकांत पेटकर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। पेटकर इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में उन्हें 9 गोलियां लगी थी, कमर से नीचे लकवा मार गया था। इसके बावजूद उन्होंने 1972 में भारत के पहले पैरालंपिक तैराक का खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से हो रही है भारी बारिश के कारण 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1600 लोग घायल हैं। पूरे अफगानिस्तान में अब तक 6000 से ज्यादा घर बह चुके हैं। कई इलाकों में पिछले 3 हफ्तों से बिजली नहीं है। अप्रैल में भी बारिश के कारण अफगानिस्तान में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों ने बारिश के पीछे की वजह क्लाइमेट चेंज को बताया है। अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा POK हमारा है और हमेशा रहेगा। हम इसे वापस लेकर रहेंगे। आपने 70 साल तक आर्टिकल 370 बनाए रखा लेकिन लोगों ने पीएम मोदी को वोट दिया और उन्होंने इसे हटा दिया। अमित शाह ने कहा कि अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरण में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से मुलाकात की। इनके बीच एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। समझौतों के तहत अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा और परमाणु सहायता देगा। बदले में अमेरिका सऊदी को नाटो लेवल की सिक्योरिटी देगा। अमेरिका ये एग्रीमेंट तभी साइन करता है जब दूसरा देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए ना करे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।